कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी के भाजपा में जाने को लेकर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई विधायक एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहा है। तो भाजपा हमेशा ये आरोप कांग्रेस पे लगा रही, आज भी लगा रही है कि भ्रष्टाचार था, भ्रष्ट सरकार थी, इसलिए हमने सरकार गिरा दी। तो ये मंत्री भी हमारी सरकार में मंत्री थे, तो ये भी भ्रष्ट थे। तो भ्रष्ट मंत्रियों को आपने कैसे ले लिया? और फिर मैंने कहा था मेरे पास प्रमाण है, तो नरोत्तम जी ने ये कहा था कि प्रमाण है तो हमें दीजिए। मेरा उनसे निवेदन यही है, विनम्र निवेदन है कि आप इन्हीं मंत्रियों के खिलाफ, सिंधिया जी के खिलाफ 2-3 महीने पहले गंभीर गंभीर आरोप आपने लोकसभा चुनाव में लगाए, और आप भी ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं, ये सारे विधायक और सिंधिया जी ग्वालियर चंबल संभाग के, तो उन आरोपों का तथ्य, उन आरोपों की के प्रमाण तो आपके पास हैं, तभी आप आरोप लगा रहे थे। आधारहीन आरोप तो आप नहीं लगा रहे थे। तो जो तथ्य आपके पास हैं, जो प्रमाण आपके पास हैं, इनके खिलाफ आप गृह मंत्री हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के हैं, आप जांच शुरू कर दीजिए। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।